नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हाई बीपी के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। दोस्तों, हाई बीपी एक तरह से साइलेंट किलर है। यह कभी भी खतरा कर सकता है, कभी भी नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि हाई बीपी अगर किसी व्यक्ति को रहता है तो उसे कैसे, किस चीज से, किस तरह से खतरा पहुंचा सकता है। दोस्तों, हमने अनेकों वीडियो में जाना बीपी, हाई बीपी क्या होता है। जब हमारे धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हाई बीपी एक साइलेंट किलर होता है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को नुकसान दे सकता है। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, हाई बीपी के क्या क्या खतरे हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हाई बीपी की समस्या है, अगर उसका इलाज नहीं किया जाता है, उसका उपाय नहीं किया जाता है, तो उसे बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। जिस व्यक्ति की बीपी बढ़ा हुआ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, सबसे पहले उन्हें दिल का दौरे का खतरा रहता है। इसलिए हाई बीपी का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। कई व्यक्तियों में देखा गया है कि स्ट्रोक का खतरा रहता है, ब्रेन हेमरेज का खतरा हो जाता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसका इलाज करना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। ये देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को धमनी विस्फार की शिकायत आती है, दिल की धड़कन रुक जाती है, इसलिए हाई बीपी को हल्के में ना लिया जाए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका उचित उपाय करके उसे ठीक कर देना चाहिए। दोस्तों, जिन व्यक्ति के बीपी बढ़ा हुआ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उनकी किडनी कमजोर हो जाती है, किडनी सही से काम नहीं करती है, इसलिए समय रहते ही ब्लड प्रेशर का उपचार कर लेना चाहिए। हमने देखा है कि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय से रहता है और वो लापरवाही करते हैं, उनके रक्त वाहिकाओं में संकुचन आ जाता है, उनके रक्त वाहिकाओं का जो रास्ता होता है वो पतला हो जाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता है, उनके याददाश्त की समस्या आ जाती है, ये ब्लड प्रेशर का खतरा है। इसलिए अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप उसे घरेलू उपचार द्वारा, प्राकृतिक उपचार द्वारा, आयुर्वेदिक उपचार द्वारा उसका समाधान कर लेना चाहिए। कुछ लोगों में देखा है कि उनका अगर बीपी बढ़ा हुआ होता है तो किसी चीज को समझने में परेशानी होती है, वो किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं, ध्यान उनका एकाग्र नहीं हो पाता है। कुछ लोगों में डिमेंशिया की शिकायत आ जाती है। ये सब हाई ब्लड प्रेशर के खतरे हैं जो हो सकता है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो रोगी को क्रोधित स्वभाव में देखा गया है, उनमें पागलपन की स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है तो हमारे चैनल पर अनेकों नुस्खे हैं जिसके द्वारा आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा और आप हाई ब्लड प्रेशर के खतरे से बच जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बतलाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें एवं जरूरतमंदों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं हम नए नुस्खे के संग, नए वीडियो के संग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।